Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 4th, chapter 9, fraction and today's exercise is 36. So, आज की exercise में हम जानेंगे कि fractions को subtract किस तरह से किया जाता है. Okay, तो see, जैसे कि आपको याद है हमने add कैसे किए थे, addition कैसे किया था, 2 upon 3 plus 5 upon 3. तो हमने क्या किया, denominator same है, तो हमने common ले लिया. Then, 2 plus 5 as it is आ गया and 5 plus 2 कितने हो गए 7 upon 3. इस तरह से हम सॉल्व करते थे. तो सेम अगर मैं आपसे यहाँ एडिशन की जगह पर साइन चेंज कर दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तब क्या होगा, तब भी सेम वही तरीका रहेगा. आपको कॉमन लेना होगा क्या. ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 7 upon 8 minus 3 upon 8. तो यहाँ denominator same है तो हम common ले लेंगे. denominator आ गया 8. then हम क्या करेंगे, 7 minus 3 as it is आपको लिख देना है. 7 में से 3 minus की then we get 4 and upon 8. तो हमारा answer हो गया 4 upon 8. ओके, है ना सिंपल सा. जैसे आपने एडिशन की थी सेम वैसे ही करना है. बस एडिशन में आपको ऐड करना होता था दो नंबर्स को, यहाँ आपको सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सेकंड क्वेश्चन, 5 upon 6 माइनस 1 upon 6. अगेन डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लिया हमने 6. 6 ones are 6 होता है, 5 ones are 5 माइनस ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा. 5 minus 1 आ गया 4 upon 6 हो गया. सेम ऐसे ही आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके रेफरेंस के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और करके भी दिखा दिए हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. योर होम असाइनमेंट इज सॉल्व द एक्सरसाइज 37 इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय.